हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल एनके मैट्रिक 2.0 में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इस ट्रिक को शेयर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ दो चरणों में रेखीय समीकरण का, लेकिन मैंने कभी अभी तक ट्रिक नहीं बताया इसका। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप इक्वेशन को देख कर ही आंसर बोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आँख बंद करेंगे और इक्वेशन देखेंगे और इसका आंसर दे देंगे। कैसे देखेंगे, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने दो इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है 5x + 3y = 6, दूसरा इक्वेशन है 7x + 8y = 2। सो दोस्तों यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। कोई भी विधि हमें नहीं लगाना है, प्रतिस्थापन विधि, विरोपण विधि, तुलनात्मक विधि, बीजगुणन विधि, आरेखित विधि, कोई भी विधि नहीं लगाना है और हमें इसका आंसर केवल 5 सेकेंड में बताना है। सो दोस्तों कैसे लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, एक्स की वैल्यू को जब फाइंड किया जाता है उसे हम क्या आप हिंदी में 4 लिख सकते हैं। देखिए 4 लिख देना है और अपान में आपको 5 लिख देना है। क्या लिख देना है, अपान में आपको 5 लिख देना है, सॉरी अल्फा लिख देना है, सॉरी अल्फा लिख देना है। और उप अंश में लिखना है 4, 4 जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना 4, वैसे 4 लिख देना है और अपान में आपको अल्फा लिख देना है, कुछ नहीं करना। अब देखिए इक्वेशन का आंसर कैसे आएगा। सो दोस्तों आप इक्वेशन देखिए, जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को ढक लेंगे। क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को ढक लेंगे और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आएगा, एक्स की वैल्यू को हमने ढका तो यहाँ क्या बचा हमारा 3y = 6 8y = 2। इतना बचा ना फ्रेंड, जब हमने एक्स की वैल्यू निकालने की, जब हम एक्स की वैल्यू में जब फोर वाली की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाले को ढक लेंगे और उसके जो बचेगा उसे यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें 4 बनाना है। देखिए 4 कैसे बनेगा, ये देखिए, देखिए 4 हम कैसे बनाएंगे, ऐसे करके हमने 4 बना दिया ना फ्रेंड। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से बनाना ना, तो ऐसे देखिए ऐसे तीर बना दिया मैंने। ये तीर मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं होगे और इसका आंसर मात्र आपको 5 सेकेंड में बताना है। अब देखिए क्या होगा, यानी तीर कैसे गया, ऐसे गया ना, यानी कि 3 का गुणा इसमें कर, 3 का गुणा 2 में कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसे गया, अब इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 8 का गुणा 6 में होगा, किसमें होगा, 8 का गुणा 6 में होगा, बट क्या होगा, बट यहाँ माइनस रह जाएगा, यही ट्रिक है। बस यहाँ क्या होगा, माइनस रहेगा और 8 पे 4 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी 42 -42। इस तरह से हमारी यहाँ 4 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -42। अब देखते हैं दोस्तों अल्फा के मान कैसे निकालेंगे। अल्फा के मान को निकालने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर जब हम अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू को, तो हम इस वाले पद को ढक लेंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x 3y 8y 7। एक्स में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैसे कराना है, यानी कि हमें ऐसे कराना है, कैसे कराना है, ऐसे कराना है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, पहली बार देख रहे हैं आपको इसलिए हार्ड लग रहा होगा, एक बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल आसान बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 7 में, 7 3 21, और क्या हमने कहा माइनस लगाने की, अब ऐसे यानी 5 8 40। जब हम 40 -40 में से 21 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, -19। अब हमने आप अल्फा मान क्या मिल गया, -19, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 42/19। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 42/19 है ना, बिल्कुल ट्रिक। अब देखिए अब निकालेंगे हम वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। वाई की वैल्यू को निकालने के लिए हमने यहाँ इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया, वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए वाई की वैल्यू को फाइंड करने के क्या कर देंगे हम, अल्फा अपान अल्फा। यहाँ पर जब मैंने एक्स का वैल्यू निकाला था तो आर लिखा था, सॉरी 4 लिखा था हिंदी में, इसलिए यहाँ पर अब जब हम वाई का वैल्यू निकालेंगे क्या करें, अल्फा अपान अल्फा। जब इसमें हम एक्स आर की सॉरी 4 की वैल्यू निकाला था, हमने क्या किया था, एक्स वाले को ढक लिया था, और जब हम इसमें वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई वाले को ढक लेंगे, यानी कितना बचेगा हमारा 5x 6
सेवन एक्स टू बचे ना फ्रेंड। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे हम अल्फा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं अल्फा हमने बना लिया, यानी कि ऐसे हमें गुणा कर लेना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, जब यहाँ से हम छः का मल्टीप्लाई सात में कितना किस में करेंगे, छः का मल्टीप्लाई सात में करेंगे कितना होगा, सात पच्चीस पैंतीस सात छः के बयालीस, कितना होगा बयालीस। और जब हम इस ऐसे हो गया, अब मैं ऐसे करूँगा तो पाँच दूना दस क्या हो जाएगा माइनस का दस, जब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का बत्तीस, क्या हो जाएगा सॉरी प्लस का बत्तीस। ओके फ्रेंड कितना हो जाएगा प्लस का बत्तीस, हमने यहाँ क्या लिख दिया प्लस का बत्तीस। और दोस्तों इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इस अल्फा का वैल्यू जो हमने अगले एक्स में निकाला था, अल्फा यहाँ एक्स के में हमने अल्फा निकाला था ना, वही वैल्यू यहाँ पर भी रखा जाएगा। तो यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू कितना निकाला था माइनस का उन्नीस, तो यहाँ क्या लेंगे हम माइनस का उन्नीस। इस तरह से फ्रेंड हमारा एक यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बत्तीस बटे उन्नीस, यानी कि वाई की वैल्यू हमारी कितनी आएगी माइनस बत्तीस बटे उन्नीस और एक्स की वैल्यू बयालीस बटे उन्नीस। सो फ्रेंड इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छी तरह से इसे समझ लेते हैं। सो फ्रेंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है थ्री एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल फाइव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वेशन नंबर इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू। इस तरफ हमारे पास दो इक्वेशन है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने क्या कहा, एक्स की वैल्यू जो होगी हमने कहा वह होगी फोर अपान अल्फा, क्या होगी फोर अपान अल्फा। तो फोर हमने कैसे बताया निकालने के लिए, ये क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू को ढक लेंगे और यहाँ के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं सेवन वाई फाइव माइनस सिक्स वाई टू। अब क्या करेंगे हम इसमें फोर बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें हम फोर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे मैंने फोर बना दिया, अब यहाँ ऐसे कर देंगे हम, यहाँ तीन लगा लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, क्या होगा मल्टीप्लाई हमारा होगा सेवन का मल्टीप्लाई टू में कितना होगा सात दूना चौदह, जब हम माइनस छः का गुणा पाँच में करें कितना होगा, हमने यहाँ सूत्र का माइनस लगा दिया, अब क्या होगा छः पचे तीस माइनस का तीस, और क्या हो जाएगा हमारा चौदह प्लस तीस कितना हो जाएगा हमारा तीस दस चालीस चालीस चार चौवालीस, यानी कि हमारा फोर जो हमने लिखा उसका वैल्यू कितना गया चौवालीस। बिल्कुल आपको समझ आया होना है ना फ्रेंड। अब चलते हैं हम तो निकालते हैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कहा, अल्फा की वैल्यू उनको निकालने के लिए हमने क्या कहा, इस वाले पद को हम ढक लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा थ्री एक्स सेवन वाई फाइव एक्स सिक्स वाई, और मैंने क्या कहा अल्फा को निकालने के लिए ऐसे अल्फा हमने बीच में बना लिया, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सॉरी यहाँ माइनस सिक्स वाई है। ओके फ्रेंड अब देखिए जब हम, अब क्या होगा हम सात का मल्टीप्लाई किस में करेंगे सात पच्चीस पैंतीस सूत्र का माइनस, और ये क्या हो जाएगा छत्री का अठारह माइनस अठारह, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें पैंतीस प्लस अठारह, जब इसे हम ऐड करें कितना होगा आठ पाँच तेरह का तीन एक हासिल चार एक पाँच, यानी कि तिरपन हमको मिल गया, कितना मिल गया फ्रेंड तिरपन, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा हमारा तिरपन, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गई चौवालीस बटे तिरपन। अब फ्रेंड किसका वैल्यू निकालेंगे हम, वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा वाई को, मैंने क्या फॉर्मूला बताया वाई का फॉर्मूला बताया मैंने अल्फा अपान अल्फा, तो यहाँ पर अंश जो अल्फा होता है वो क्या होता है फ्रेंड, अंश जो अल्फा होता है थ्री एक्स फाइव फाइव एक्स टू, क्यों ये होता है क्योंकि मैंने y का वैल्यू निकाला इसलिए मैंने y को ढक लिया और x और अचर पद को मैंने लिख दिया। और देखिए यहाँ पर हम अल्फा बनाने की कोशिश करेंगे, क्या बनाने की कोशिश करेंगे अल्फा, तो अल्फा बनाने की हमने कोशिश कर दिया और अल्फा मैंने बना भी दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच का मल्टीप्लाई फाइव में कितना होगा पच्चीस, और जब तीन थ्री का मल्टीप्लाई टू में कितना होगा तीन दूना छः, और जब घटाएंगे कितना बचेगा उन्नीस, यानी कि यहाँ कितना आएगा हमारा फ्रेंड उन्नीस आ जाएगा, कितना आ जाएगा उन्नीस, और ये अल्फा क्या है हमारा यही है यानी कि तिरपन, यानी कि वाई इक्वल कितना आ गया उन्नीस पाँच तिरपन। इस तरह से हमारे एक्स इक्वल क्या आ गया, एक्स इक्वल आ गया चौवालीस बटे तिरपन और वाई इक्वल कितना आ गया उन्नीस बटे तिरपन। सो फ्रेंड हमने यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया है। हमने दोस्तों दोनों क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन के उत्तर की जांच नहीं किया है, चलिए इस क्वेश्चन में हम उत्तर की जांच इसकी कर लेते हैं। सो फ्रेंड एक्स और वाई का वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में रख देते हैं, चलिए हम समीकरण नंबर फर्स्ट में इसका एक्स और वाई का वैल्यू को हम पुट करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है थ्री एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल फाइव, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है हमारा फ्रेंड, तो थ्री इंटू एक्स की वैल्यू है
44 बटे 53 प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू है 19 बटे 53। ये हमारा एल एच एस है, यानी कि इसको हल करके हमें कितना लाना 5 अगर ला दिए तो यानी कि हमारी ये जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 44 का गुणा 3 में कितना होगा, 4 × 3 = 12 का 2 × 1 = 8, 4 × 3 = 12 = 13 अपन 53 प्लस 9 × 9 = 63 का 3, 6 × 8 = 7, 7 × 7 = 13 अपन 53 कितना होगा, यहाँ पर ऐड करें कितना होगा, 3 × 2 = 5, 3 × 3 = 6, 1 × 1 = 2 अपन 53। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, जब हम 53 को 265 में देख लेते हैं हमारा 5 आता है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बगल में 53 × 5 कर लेते हैं, अब 5 × 15 = 5 = 1 = 8, 5 × 25 = 26, यानी कि हमारा 53 से पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। और इस तरह से फ्रेंड हमारा एल एच एस जो है वह आर एच एस के इक्वल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने जो एक्स और वाई का वैल्यू निकाला बिल्कुल राइट निकाला और ये बिल्कुल सही है। जी हाँ फ्रेंड, ये आपको ये ट्रिक कैसा लगा, और ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी लोग जान सकेंगे ये ट्रिक को। और फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।